नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता दोनशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, बलिया से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर पंचायत चुनाव में सियासी दिग्गजों के रिश्तेदार हार गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बेटे रंजीत चौधरी चुनाव हार गए हैं। बसपा समर्थित प्रत्याशी ने रंजीत चौधरी को 1896 वोटों से हरा दिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह वार्ड 12 से चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी वार्ड 17 से हार गए हैं, तो बीजेपी ने पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र यादव वार्ड 10 से चुनाव हार गए हैं। सियासी दिग्गजों को जिला पंचायत चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा है। कई सियासी सुरमाओं ने बचाई अपनी इज्जत, तो ऐसे में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी के पुत्र आनंद चौधरी चुनाव जीत गए हैं। वार्ड 44 से आनंद चौधरी जिला पंचायत का चुनाव जीत गए हैं, तो सपा के जिला अध्यक्ष राज मंगल यादव की पत्नी रंजू देवी जीत चुकी हैं। वार्ड 42 से रंजू देवी जीती हैं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन। बड़ी और अहम जानकारी पंचायत चुनाव को लेकर है, जहां पर सियासी दिग्गजों के जो रिश्तेदार है वो हार चुके हैं इस चुनाव में। बलिया से खबर है, पंचायत चुनाव में दिग्गजों के रिश्तेदार हार गए हैं। ऐसे में राम गोविंद चौधरी के बेटे रंजीत चौधरी चुनाव हार चुके हैं। वहीं रंजीत चौधरी को 1896 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह भी हार गए हैं इस पंचायत चुनाव में।